रैंक की सियासी लड़ाई यूपी में धर्म पर चली आई। मंदिर वाली हुंकार जरूरी, मस्जिद विपक्ष की मजबूरी। ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से। और इस वक्त हम गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी चौराहे पर मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट में इन तमाम लोगों से बातचीत कर आप तक ये पहुंचाते हैं कि हर शहर के लोग किसी खास विषय पर क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं। भाई साहब, अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए, पहले वो बौद्ध मठ थे। तो अब जो सियासी लड़ाई है मंदिर मस्जिद होते हुए बौद्ध मठों तक चली आई है, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता ये कभी किसी के नहीं होते, किसी के हितैषी नहीं हो सकते। अभी कुछ दिन पहले हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस के ऊपर किस प्रकार से इन्होंने अभद्र टिप्पणी करी थी। जब से ये समाजवादी पार्टी में गए हैं उनके नेतृत्व के द्वारा इनको उकसाया जाता है इस प्रकार के बयान देने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी दुनिया जानती है कि हमारे देश के ऊपर जब मुगलों का शासन रहा तो मुगलों ने हमारे धार्मिक स्थलों को नष्ट करके उस पर अपने अपने स्तूप बनाने का काम किया था। और भारत की जनता इस बार जागृत हो चुकी है और भारत की जनता जागृत होकर के अपने सारे उन मान बिंदुओं को, सारे प्रतिष्ठा को, सारे भारतीय जो संस्कृति के सूचक है उन सारे बिंदुओं को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में बढ़ चुका है। भारत रुकने वाला नहीं है, इनको यही गोरखपुर से संदेश है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि छोटे बड़े 4 लाख ऐसे मंदिर थे जिस पर मस्जिद बनाई गई है, उनको वापस लेना चाहिए। आप क्या ऐसे बयान से सहमत हैं? पहला चीज तो यह है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे एक व्यक्ति हैं जो किसी के आज तक हुए नहीं, वो न हिंदू के हुए न मुसलमान के हुए। वो जब अपने धर्म और अपने जात के नहीं हुए तो वो किसी के नहीं हो सकते हैं। उनकी बातों का जो है ये भारतवर्ष कोई भी बिंदु पे उनकी बातों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल दूसरी बात, जो ये मंदिर और मस्जिद की जो लड़ाई है ये एक मापदंड चलता आया है औरंगजेब के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी ने इस देश के जो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे उसे जलाने का काम किया जिससे यहाँ की जो है धर्म और संस्कृति को मिटाया जा सके। और औरंगजेब ने यहाँ के मस्जिदों को गिरा के मंदिर को जो है बनाने का काम किया। ये सबसे निंदनीय काम रहा। आज हिंदू जागा है और हिंदू जागा रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो भी चाहे बोलता रहे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, जो मुझे गलत लगेगा उसे सही करते रहेंगे। इसके ऊपर मुझे ये बताइए कि जो विपक्ष है काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो ज्ञानवापी परिसर है, जो वहां मस्जिद है, जिसको लेकर इस समय हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि वो मस्जिद के पैरोकारी में वो लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है ये मंदिर मस्जिद का डिवीजन ये पॉलिटिक्स को कहां ले जाएगा? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और मुझे लगता है कि वो जो बोल रहे हैं उठपटांग बयान, पहले अपने मानसिक संतुलन मतलब अपना उनको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उसके बाद आगे कोई सवाल है या कुछ कहें, मुझे लगता है। विपक्ष मस्जिद की पैरोकारी क्यों कर रहा है? विपक्ष जो भी कर रहा है बस उनको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, क्योंकि आज की जनता ये देख चुकी है कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो, जो भी है वो केवल एक है जो भाजपा का सपोर्ट में कर रहा है और सारे लोग एक साथ हैं और बाकी जितने भी नेता लोग हैं वो कहीं से कुछ भी वोट बैंक नहीं मिल रहा है। और खासकर जो उनका मुस्लिम वोट बैंक था उनके साथ, वो भी अब धीरे धीरे भाजपा में आ रहा है, इससे वो एकदम से बौखला गए हैं और उनके नेता हर जगह ऊट पटांग उजुल पुजुल की बातें कर रहे हैं, इससे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है और वो बस एक वोट बैंक के लिए अपने चीजों को इधर उधर भटका रहे हैं। चलिए, तो वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक कहीं छिटक न जाए, वोट बैंक कहीं दूर न हो जाए, दस्तावेजों पर बात होनी चाहिए, चाहे सर्वे कहीं का भी हो, सर्वे प्रॉपर तरीके से हो, जो दस्तावेज हैं उनकी जांच होनी चाहिए। नेता ऐसे बयान जानबूझ कर देते हैं, लोगों का कहना है कि ऐसे बयान से मामले को और नेता उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अब चलेंगे किसी और चौराहे पर, जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय पर गोरखपुर की जनता की क्या राय है। इस वक्त हम गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके में हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, उनकी क्या राय है इस पर्टिकुलर विषय पर हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो बयान आया है
चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, जो कह रहे हैं कि मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए, जैसे मस्जिद की जांच हो रही है बनारस में, 4 लाख मंदिरों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, तो आप दोनों बयानों को किस तरीके से देखते हैं, इसमें सियासत है या भावना है? देखिए, जब हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं, पूरी जनता जानती है कि वो केवल सियासत करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उनकी चाहे भावना अगर इतना ही अधिक था तो लड़की उनकी क्यों कांग्रेस में इस्तीफा दे, भाजपा में है इस्तीफा दे के कांग्रेस में चली जाए या जहां भी उनको सुटेबल लगता है। इसके पहले इसी पक्ष में वो बोल रहे थे। और जहां तक भगवान विष्णु की बात आप करेंगे, इनकी विष्णु की, तो विष्णु भगवान के अवतार 10वें अवतार के रूप में माने जाते हैं आपके महात्मा बुद्ध। और बुद्ध तो भारत की रग रग में बसे हैं। एक भी कोई प्रमाण ऐसा बताने कि बौद्ध मत तोड़ करके और मंदिर बनाया गया हो। आज मंदिरों में बौद्ध की प्रतिमा है। आप हमारे गोरान मंदिर में चले जाइए, 2 जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया है बुद्ध जी की प्रतिमा का मंदिर के अंदर, गोरान मंदिर के अंदर। तो हम कहां से बात आएगी उसको तोड़ के बना रहे हैं? वो पागल है, मानसिक रूप से एकदम दिवालिया है वो, उनका कोई कहीं कुछ। तो वो मानसिक रूप से दिवालियापन की पहचान दे रहे हैं क्यों भाई साहब? कैसे देखते हैं आप इन दोनों बयानों को? देखिए, ये पूरी मानसिक खो चुके हैं। जो सनातन धर्म को नहीं जानता है, जो भगवान बुद्ध के बारे में नहीं जानता है, हमको लगता है कि थोड़ा भी यदि पढ़े लिखे होते तो भगवान बुद्ध के बारे में अच्छे से जान लिए होते तब बयानबाजी करते तो समझ में आता है। पहले भी आपने देखा होगा कि रामायण पुस्तक जो है, रामचरितमानस है, उसके दोहाओं पे इन्होंने कमेंट किया था, उसका नतीजा आपने देख लिया। अब मैं आपको संजोग से बता दूं कि मैं भगवान बुद्ध के ही धरती से कुशीनगर से आता हूं, वर्तमान में यहां पे पढ़ाई करता हूं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस विधानसभा से चुनाव लड़े थे उसी विधानसभा के अंतर्गत बसडिल्ला पांडे जहां फाजिलनगर से चुनाव लड़े थे, मैं वहीं से आता हूं। आपको बता दूं कि ये धर्म के प्रति जो राजनीति और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इनका राजनीति रोटी कभी सेक नहीं पाएंगे, कभी सफल नहीं होंगे। और जान लीजिए ये बात कि आज की जनता जाग चुकी है और इन लोगों की राजनीति समझ चुकी है कि ये केवल धर्म के प्रति लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और मेन मुद्दा से इनका मेन मुद्दा विपक्ष में बैठे हैं, क्या होना चाहिए, विकास पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, ते मठ और मंदिरों की बात लेके बैठे हुए हैं। हमारे हमेशा हिंदू मंदिरों को, रामायण की पुस्तकों को, धार्मिक ग्रंथों को टारगेट करने में लगे हुए हैं। क्यों भाई साहब, क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों सियासत हो रही है मंदिरों और मठों को लेके? देखिए, कहा जाता है बिना शकाले विपरीत बुद्धि, जब विनाश की घड़ी आती है तो बुद्धि आपकी विपरीत हो जाएगी। तो जब विपरीत हो जाती है तो इस समय वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी का यही हाल है। जैसे कि कहा भाई साहब ने हमारे कि हम लोग दोनों लोग भाई हैं, दोनों हम लोग भी पांडे बसडीला से बिलोंग करते हैं और फाजिल नगर की धरती से ही हम लोग हैं और यहाँ पे गुरुनाथ संस्कृत विद्यापीठ में शिक्षा अध्ययन करते हैं। तो अभी कुछ समय पहले उनका बयान आया था कि ढोल गवार शुद्र प्रश्नारी तेही ताड़ना के अधिकारी, जिसपे बिना सोचे समझे उन्होंने टिप्पणी कर दी, जिसका उनको अंततः परिणाम देखना पड़ा। जैसे पुल कहने का मतलब मेरा यही है कि जब आदमी का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो अभी भी उनका वही हाल है, एक बार उन्होंने देखा और उससे अभी वो सीख नहीं पाए हैं। तो कहा जाता है कि आदमी को जब एक बार ठेस लगता है तो वो सीख जाता है। तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जाके सीखना चाहिए, जाके देखना चाहिए, और उनको देखना है तो आकर के हमारे कुशीनगर की धरती पर देखें कि हमारे पास कैसे बौद्ध भिक्षुक लाते हैं। लोगों का कहना है कि जानबूझ के सियासी बयान दिए जा रहे हैं, जानबूझ के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है और ऐसे बयानों का बहुत ज्यादा कोई मतलब होता नहीं है। भगवान बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार बताया गया है, मठ और मंदिर के बीच भेद पैदा करके मठ पहले थे मंदिर बाद में आए, इस तरीके के बयान से मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भटकाया जा सकता है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा सकता। तो लोगों की जो राय है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मुझे एक शेर याद आ रहा है, सियासी गुफ्तगू मत कीजिए अच्छा नहीं लगता, रफू पे फिर रफू मत कीजिए अच्छा नहीं लगता। तो गोरखपुर की जनता ने नेताओं को सियासी बयान देने से पहले सोच समझ कर बोलने की राय दी है कि जो कुछ बोल रहे हैं वो पहले जांच तो ले कि वो बोल क्या रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अब अपने अपने मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे और सियासी दलों ने
मंदिर मस्जिद मठ तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। जहां कुछ दल मंदिर के पक्ष में है तो कुछ दलों की मजबूरी मस्जिद को बचाना भी है। इसी पर चर्चा करने के लिए नोएडा सेक्टर 18 की मार्केट, जो सबसे पोस मार्केट कही जाती है, वहां चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि चुनाव के दौरान आखिर किस तरीके का माहौल बनेगा। अभी जो सियासी दल हैं वो मंदिर मस्जिद मठ मस्जिद तमाम चीजें चल रही हैं, क्या लग रहा है आपको, किस तरफ जाएगा? सर देखिए, अभी जो कुछ भी चल रहा है ना, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझ चुकी है। मंदिर मस्जिद जातिवाद से परे हट करके सिर्फ विकास के ऊपर काम करना चाह रही है और विकास को ही देखना चाह रही है, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। मस्जिद मजबूरी है कुछ लोगों की, ये भी सर ये तो हमेशा मस्जिद और मंदिर हमेशा से मजबूरी रही है और जरूरत रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों से भी बात करेंगे। अब बताइए, जिस तरीके से मंदिर मस्जिद तमाम माहौल बनाया जा रहा है राजनीतिक दलों के लिए, लोकतंत्र पे भारी है सब? सर सब ठीक चल रहा है, ये तो धर्म के नाम पे एक ही तरह हो, मस्जिद मंदिर कोई नहीं है, तो सब उस मालिक की इच्छा है, जैसा भी है वो बढ़िया है, उससे कोई परेशानी। और बीजेपी सही काम कर रही है। आपका क्या मानना है इन तमाम चीजों को लेकर जो राजनीतिक दल लेके चल रहे हैं? जाति और धर्म के नाम पे नहीं बढ़ना चाहिए और सरकार अच्छा काम कर रही है, बाकी सब ठीक है। आप बोलेंगे कुछ? तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अभी, आपका क्या मानना है जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल मंदिर मस्जिद और तमाम चीजों की चर्चा कर रहे हैं, तो वोटर जो है किस तरफ जाएगा? देखो, बीजेपी जो सरकार अपनी चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। रोड कॉरपोरेशन के बीच में अगर कोई मंदिर या मस्जिद आती है उसकी वजह से थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है। अगर कोई रोड कॉरपोरेशन के बीच में मस्जिद आती है या कोई मजार आती है या कोई मंदिर आता है तो उसको हटाना सरकार की मजबूरी पड़ जाती है। ऐसा नहीं है वो कि कोई मुद्दा उठाया जा रहा है किसी हिंदू के लिए, किसी मुस्लिम के लिए, किसी क्रिश्चियन के लिए, वो सिर्फ मजबूरी का कारण बन जाता है, कोई उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। बाकी सरकार अपनी जो बीजेपी सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, रोड कॉरपोरेशन पे, GST पे, टेंस वगैरह पे, वो सब कुछ सही चल रहा है, शिक्षा पे भी सही चल रहा है और स्वास्थ्य वगैरह पे भी अच्छा चल रहा है, उसमें कोई। और लोगों से भी बात करते हैं, कितना असर डालते हैं ये मंदिर मस्जिद मठ? ये कोई असर नहीं डालता, आज के डेट में राजनीति जो हो गया है तो कॉरपोरेट कल्चर हो गया है। हर इंसान अपनी दाल गलाने के लिए, हर राजनेता अपनी दाल गलाने के लिए आते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं, आने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। फिर जब आपको एक इंसान, एक इंडिविजुअल, एक जनता का बेसिक नीड होता है रोटी कपड़ा और मकान, जब उसकी बात आती है वहां पे आ जाती है मंदिर और मस्जिद। मंदिर और मस्जिद जस्ट वो अपनी दाल गलाने के लिए करते हैं, जनता वाकिफ है जनता को क्या करना है। आपका क्या मानना है 2024 से पहले मंदिर मस्जिद सब चल रहा है? मंदिर मस्जिद का मैटर तो अलग है, जैसे रोड में कोई मस्जिद आई मंदिर आया उसको तो सरकार की मजबूरी हटाना, जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है, योगी सरकार कोऑपरेट कर रही है, यही कहना कि योगी सरकार आया। देखिए, ये तमाम लोग थे सेक्टर 18 की मार्केट को पोस्ट मार्केट कहा जाता है और यहाँ पर तमाम वर्ग के लोगों से हमने बातचीत की और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब बताइए, ये मंदिर मस्जिद मठ सब 2024 से पहले चल रहा है, कितना असर डलेगा सर? इसमें कम से कम 50-100 पड़ जाएगा सर, यह अयोध्या वाला मामला जो है ना, ये 50-100 पड़ जाएगा। तो मतलब जो चुनाव होगा वो मंदिर के नाम पे या मस्जिद के नाम पे होगा, ये कहना चाह रहे हैं? नाम पर नहीं होगा, लेकिन लोग का जो भावना है ना हिंदुत्व वाला, वो मंदिर के पीछे भागेगा। और भी लोग हैं, आपका क्या मानना है? तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ के मंदिर साथ में है, कुछ की मस्जिद मजबूरी है, चुनाव आने वाला है, किस तरह ऊंट बैठेगा? भाजपा की तरह बैठेगा क्योंकि ज्यादातर मंदिर को मानते हैं, इसलिए मंदिर के निर्माण में मंदिर का तो मुद्दा रहेगा ही रहेगा, और इसलिए मंदिर सारे मंदिरों का कायाकल्प भी हो रहा है, तो मंदिर पे फोकस ज्यादा रहेगा, मंदिर से बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग थे इस पोस्ट इलाके की, अगर बात की जाए सेक्टर 18 है, काफी पोस्ट मार्केट कही जाती है, यहाँ से हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि राजनीतिक दलों के मंदिर और मस्जिद की हट को लेकर लोगों का क्या सोचना है, और भी अगली जगह चलेंगे और लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ सेक्टर 12 की, काफी फेमस मार्केट है, और पीछे जो मेरे आप दुकान देख रहे हैं यहाँ कचौड़ी की दुकान है, और यहाँ पर काफी लोगों की संख्या सुबह शाम इसी तरीके से लगती रहती है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मंदिर मस्जिद मठ तमाम चीजों को राजनीति में लेके आया जा रहा है, इन चीजों पर चुनाव जाएगा क्या भाई? ये तो चुनाव जाने पर चलती चलती है, मगर देखा जाए तो शिक्षा के मामले में मामला बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, कोई उस पर सुनवाई नहीं है। सरकारी स्कूल में चल रहे हैं काम, मगर फिर भी इतनी सुनवाई नहीं है कि जो काम होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में इतना घूसखोरी चल रहा, मतलब बहुत ज्यादा है महंगाई,
तो सरकारी स्कूल अपने ऐसे होने चाहिए जिनसे जो है बंदा हर आदमी को उसमें पढ़ा सके अपने। राजनीतिक दल तो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, चुनाव किस तरफ जाएगा फिर, शिक्षा बेसिक मुद्दों की तरफ या मंदिर मस्जिद की तरफ? ये तो भाई बताएंगे, जरा भाई जरा आप बताइए। देखिए मंदिर मस्जिद अपनी जगह है, लेकिन मंदिर मस्जिद के चक्कर में राजनीति हो और उससे विवाद उत्पन्न हो उनसे हमें बचना चाहिए। और रही बात बाकी और चीजों की, बाकी और चीजें तो हमेशा मायने रखेंगी। आपकी शिक्षा है, विकास है, स्वास्थ्य है, महिला सुरक्षा है और एम्प्लॉयमेंट है, सारी चीजें मायने रखती हैं। तो केवल ये नहीं कि मंदिर मस्जिद पे हम चुनाव जीत सकते हैं, वो जमाने गए, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आज का वोटर जो है सोशल मीडिया पे रहता है, तो सोशल मीडिया में उसको सब पता है, यानी कि एक चीज से वो वोट दे देगा, उसको सारी चीजें होनी चाहिए, विकास भी देखना चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट भी देखना चाहिए, उसको शिक्षा भी देखनी चाहिए, उसको स्वास्थ्य भी देखना चाहिए, महिला सुरक्षा भी देखनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, सब तमाम मुद्दे हैं। लेकिन राजनीतिक दल जो है, आप बताइए भाई साहब, राजनीतिक दल मंदिर मस्जिद कोई बचाने में लगा हुआ है, कोई बनाने में लगा हुआ है, चुनाव आ रहा है, कौन से दल बचाने में और कौन से तोड़ने में लगे हैं? आप पहले उनका नाम बताइए। मंदिर का नाम लेकर एक पार्टी अपना वोट बैंक बना रही है, दूसरे लोग मस्जिद बचाना। सर वो आपकी नजर भाई बीजेपी हो या तमाम राजनीति, बीजेपी अगर सर अगर मंदिर का लेकर अगर अपनी वोट बैंक बना रही है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, बाकी किसी को हो तो आप पूछ लीजिए, सारे लोग आपके सामने हैं। जो लोग मस्जिद बचाना चाहते हैं, जैसे कि कौन लोग, जो भी बचाना चाह रहे हैं, जो भी राजनीति, जो भाई जो भी राजनीतिक, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तमाम लोग। सर देखिए जो अतिक्रमण हुआ है सरकारी जमीन है ना, कुछ माफिया लोगों ने गरीबों की जमीन हड़पी हुई है, अगर उनको हटाना आप ये बोल रहे हो कि उनपे जुलम हो रहा है तो ये तो सरासर नाइंसाफी है और कांग्रेस बिल्कुल गलत बोल रही है इस बात को। अगर सरकारी जमीनों पे कब्जा है वो तो हटाया जाएगा, अगर मैंने करा आप मेरे से छीन लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीजें बढ़िया चल रही है। धर्म के आधार पर चुनाव होना चाहिए कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना हो रहा है, मेरी नजरों में नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी, सारी चीजें बढ़िया चल रही है, हमें तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए आपको क्या लगता है जिस तरीके से राजनीतिक दल धार्मिक तौर पर चुनाव ले जा रहे हैं? देखिए मंदिर मस्जिद तो एक धार्मिक चीजें हैं, उनको तो हम बीच में ना लाएं, पहले हम और चीजों का, शिक्षा है, बेरोजगारी है और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोगों के पास घर नहीं है, बहुत परेशान है लोग, गरीब लोग हैं काफी, बहुत बेरोजगारी है दुनिया, और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन अभी इतना विस्तार में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मंदिर मस्जिद तो एक ना लेकर के और भी चीजों को देखा जाए, मेरे हिसाब से तो सारी चीजों को हमें गौर करना चाहिए। कुछ युवा लोग भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अब बताइए आप युवा हो, जो चुनाव होता है पार्टियां चुनी जाती हैं, क्या सोच के चुनते हैं, किस तरीके से? कि विकास हो, महिला सुरक्षित हो और विकास हो, मेन मुद्दा तो यही रहता है। लड़ाई तरीके से ये धार्मिक रंग दे दिया जाता है चुनाव को, वो कितना चाहिए? वो सही नहीं है, लेकिन हो भी नहीं रहा अभी, वो तो गलत है, नहीं होना चाहिए, विकास के मुद्दों पर वोट देना चाहिए किसी को भी, और जो पार्टी ये कर रही है वो गलत कर रही है। सेक्टर 12 के लोगों की राय हमने आपको सुनाई, सेक्टर 18 के लोगों की राय हमने आपको सुनाई कि 2024 के चुनाव को लेकर आम लोग क्या चाहते हैं। नोएडा से ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।